हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका विकास सर इंटरनेट ए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के मॉर्निंग अपडेट में हम जॉब के बारे में जानेंगे कि आईटीआई के लिए कहां पर वैकेंसी आया हुआ है। ऐसे इस डिपार्टमेंट में बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ आईटीआई पे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको आईटीआई से रिलेटेड जॉब के बारे में ही बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे उसी के लिए। तो चैनल के लास्ट तक बने रहिएगा, देखेंगे कहाँ वैकेंसी आया है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है, कितना वैकेंसी आया है, आवेदन कैसे करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फ़ी वगैरह कितना है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक एक चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको आईटीआई से रिलेटेड जितने भी जॉब आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है आईटीओ डिप्लोमा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये निकला हुआ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जैसे आप जानते हैं कि यह एक इंडियन स्टैंडर्ड का एक संस्था है जो कि चीज़ों की क्वालिटी की शुद्धता के बारे में बताता है कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है, उसको सर्टिफिकेट देता है। उसी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकला हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन 17 अप्रैल 2022 को यह आया है। इसमें टोटल ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए वेरियस जॉब है, 276 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। अप्लीकेशन बिगिंस 19/4 से ये अप्लाई होगा, 9/5 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है 9/5, एग्ज़ाम डेट है जून 2022 में एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेस पे इसका बहाली होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, रिजल्ट अनाउंस्ड नोटिफाइड सून, मतलब एग्ज़ाम होगा उसके बाद में रिजल्ट का डेट दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC EWS के लिए 800 है, SC ST के लिए 1 रुपया भी नहीं है, हैंडीकैप के लिए भी 1 रुपया नहीं है, फीमेल के लिए भी फ्री है। फॉर अदर पोस्ट, यानी कि वो जो ऊपर था वो बड़े वाला पोस्ट के लिए था, ग्रुप बी के लिए। ग्रुप सी के लिए जनरल OBC EWS 500 रुपया है, SC ST एंड हैंडीकैप्ड और फीमेल 0 रुपया है। आप पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो ग्रुप ए का है जिसमें बैचलर डिग्री का वैकेंसी है, इसको हम लोग जाने देते हैं। ये भी बैचलर डिग्री का है, भी जाने देते हैं। स्टेनोग्राफर, ये भी बैचलर डिग्री का है, जाने देते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, ये है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स, फॉर SC ST 50% मार्क्स। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले के लिए है टेक्निकल असिस्टेंट, 19 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी बैचलर डिग्री के लिए, इसको भी जाने देते हैं। हमारा जो मुख्य फोकस है वो ये है, सीनियर टेक्नीशियन कारपेंटर 6, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन वेल्डर, सीनियर टेक्नीशियन प्लम्बर, सीनियर टेक्नीशियन फिटर, सीनियर टेक्नीशियन टर्नर, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, ये टोटल जो है पोस्ट है, ये सब ये आईटीआई के लिए है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 2 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आईटीआई के लिए पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन कारपेंटर, सीनियर टेक्नीशियन वेल्डर, सीनियर टेक्नीशियन प्लम्बर, सीनियर टेक्नीशियन फिटर, सीनियर टेक्नीशियन टर्नर, सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इन सारे ट्रेड के लिए यह वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप समझ गए होंगे, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में वैकेंसी आया है आईटीआई के लिए और डिप्लोमा के लिए, और उसके ऊपर मास्टर डिग्री BTEC वगैरह के लिए भी है। देखिए BIS वेरियस पोस्ट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो लखनऊ और प्रयागराज में होगा, बिहार झारखंड में पटना और रांची में होगा, ये सब सेंटर है। मध्य प्रदेश ग्वालियर और भोपाल में होगा, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में होगा, हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली और बठिंडा में होगा, उत्तराखंड में देहरादून में होगा। अदर वेरियस स्टेट एंड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल फॉर द डिटेल मस्ट रीड नोटिफिकेशन, तो अगर नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं अप्लाई कैसे करना है।
देखिए इसी में नीचे आ जाइएगा अप्लाई ऑनलाइन, तो ये 19 तारीख को एक्टिवेट होगा इसका लिंक, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और BIS का ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर गूगल में डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं BIS नोटिफिकेशन, BIS का तो आ जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो यही था। तो अभी तक तो लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको बताता कि हाँ अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एक बार लिंक एक्टिव हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो। तो अगर ज़्यादा कमेंट आया कि हाँ सर इसके ऊपर बना दीजिए कि इसका अप्लाई कैसे करना है, तो मैं बता दूँगा। ठीक है, ऐसे मैं इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा तथा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।